नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। अब आपके बेहद काम की खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको दिखाने का मकसद आपको सावधान करना है। जिन मसालों को हम अपनी रसोई का अहम हिस्सा मानते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जिनमें बड़े बड़े नामचीन ब्रांड भी शामिल है। ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों के नकली मसालों के का धंधा पर्दाफाश उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा FSDA ने किया है। जहरीले मसालों से सावधान, मसालों पर कानपुर में हुआ बड़ा खुलासा। अशोक गोल्डी समेत 16 कंपनियों पर बैन। गोल्डी और अशोक के मसालों में कीटनाशक मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड्स। खाद्य सुरक्षा FSDA के मुताबिक गोल्डी, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 13 कंपनियों के नमूने जांच में फेल हो गए। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि इन कंपनियों के कई उत्पाद खाने के योग्य नहीं है। इससे पहले MDH और एवरेस्ट के मसालों पर सिंगापुर और हांगकांग ने प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल इस साल मई में कानपुर स्थित मसालों की 13 कंपनियों पर FSDA के अफसरों ने छापा मारा। इनके अलग अलग मसालों के 35 उत्पाद के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 23 की रिपोर्ट सामने आई। इन मसालों में पेस्टिसाइड और कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक मिली है, इसमें कीड़े भी मिले। इसके बाद FSDA ने इन प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। FSDA के अफसरों ने कानपुर के दादानगर की शुभम गोल्डी मसाला कंपनी से किए थे, उनमें सांभर मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला खाने योग्य बिल्कुल नहीं है, इसमें कीटनाशक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पाई गई है। कानपुर के 33 कंपनियों में से 22 कंपनियों पर मुकदमा करा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि खाने वाले मसालों पर, गरम मसाले, अदर मसालों पर कीटनाशक दवा पेस्टिसाइड मिली है, जिस पर आज हम बात करते हैं घरेलू महिलाओं से और पूछते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ है और वो कितने सालों से इस मसालों को यूज़ करती है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ उपस्थित हैं, जिस पर हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम, आप कब से मसाले यूज़ कर रही हैं? बहुत सालों से मसाले यूज़ कर रहे हैं और आज ये हम लोग न्यूज़ में और पेपर में हमने ये सब पढ़ा और देखा, तो बहुत दुख हुआ कि हम लोग सालों से मसाले यूज़ कर रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड, अन्य केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह हैं। और सरकार को ये अभी शायद सरकार ने ध्यान दिया है, पहले हमें लगता दिया भी नहीं होगा, पता नहीं क्या था जो भी था। आज पढ़ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि ये इतने केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जो अगर ऐसा, अगर ये चीज़ प्रूफ होती है कि हाँ ऐसा है, तो फिर हम लोग खड़े मसाले मंगा कर और खड़े मसाले घर में कूटना पीसना, जैसे पुराने जमाने में दादी नानी लोग वगैरह घर में कूट पीस के घर में ही पहले बनाती थी। अब हम लोग को इतनी बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है कि सब लोग नौकरी करते हैं, सब इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए सब लोग पैकेट बंद मसाले मंगाते हैं और आज ये सब पता चल रहा है कि ये केमिकल इसमें मिला हुआ है। और वैसे तो जब किसान बोते हैं तो उसमें भी ये सब केमिकल वगैरह डालते ही हैं, और अगर सरकार को ये सब पता चला तो ये सब किसानों की, मतलब उसमें पहले से ही उनको रोक लगानी चाहिए, जैविक खेती करवानी चाहिए, ताकि वो वहाँ से शुरुआत से ही ये चीज़, क्योंकि जब बुआई होती है और जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो उसमें जब केमिकल डाला जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें रह ही जाता है। और जब ये लोग आता है यहाँ पर, तो या जब डिब्बा बंद होता है तो कुछ ना कुछ तो मिलाते ही हैं, क्योंकि वो ना हो इस वजह से थोड़ा बहुत होता ही होगा। देखा जा सकता है कि आप सालों से इन मसालों को यूज़ करते हैं, जैसे गरम मसाला, मसाले या सब्जी मसाला, जिन चीज़ों पर आप रोज़ इन चीज़ों को यूज़ करती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, बूढ़ों को खिलाती हैं, तो आप आगे से, अब आप इस पर, जैसे आपको जानकारी मिली, उसके बाद आप आगे से उन बच्चों को खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी, ये मसालों का यूज़ करेंगी कि नहीं करेंगी? जी सर, अगर ये पता चलता है कि प्रूफ हो जाता है कि ऐसा है, तो फिर हम लोग खड़े मसाले मंगा कर घर में ही अपना कूट पीस के उसको सही से बना के अपना यूज़ करेंगे सर। हमारे साथ कुछ महिलाएं और उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? सुनी जी, ये बताइए कि आप सालों से मसालों का यूज़ करें, जैसे आपको जानकारी मिली हुई कानपुर के चुनिंदा मसाले और नामचीन ग्रह उद्योग की सिटी कही जाती है, और यहाँ पर ग्रह उद्योग और ये जो लघु उद्योगों का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, जिसमें जैसे कि 32 कंपनियाँ काम करती हैं, 35 कंपनियाँ, और जिसमें से 22 कंपनियों को नोटिस मिली है, जिस पर कि कुछ चुनिंदा और कुछ बड़ी कंपनियाँ जैसे गोल्डी, अशोक के मसाले आप यूज़ करती है, तो इन चीज़ों पर पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक दवा मिली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैगी मसाला भी खाते हैं, चिंग मसाला है, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
जैसे कि इन पर ये सब पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाएं मिली हैं जिन पर सरकार ने उनसे जवाब मांगा है, अब आप अपने बच्चों को घर के बूढ़ों को और खुद भी क्या इस मसाले को खाना पसंद करेंगे कि नहीं? खाना नहीं पसंद करेंगे और बच्चों को भी ये थी हमारे साथ घर कुछ गृहिणी महिलाएं जिन्होंने कहा कि अब हम अगर इस तरह की कीटनाशक दवाएं और बाकी चीज़ें मिलती हैं तो हम इन पर रोक लगाएंगे और हम लोग खुद के गर्म मसाला खड़ा मसाला लाकर जो उपयोग पर डाल लेंगे। जिस तरह से मालूम पड़ा है कि 22 कंपनियों को नोटिस दिया गया है और जिस पर उनसे संतुष्ट आंसर मांगा गया है कि तत्काल प्रभाव से इस पर आंसर दिया जाए और नहीं तो इस पर रोक लगा दी जाएगी। कानपुर से सोम शर्मा की रिपोर्ट प्राइम टीवी के लिए। आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिनके टेस्टिंग के दौरान जो कि फेल हुए हैं। गौरव इंटरप्राइजेस बिनगवा हल्दी पाउडर, गोविंद गृह उद्योग पन की गरम मसाला, पद्मा प्रोडक्ट टीपी नगर गरम मसाला सब्जी मसाले, मंगलम इंटरप्राइजेस चकेरी मिर्चा पाउडर, विनीस मसाला चमनगंज चिकन मटन कोरमा मसाला, मोहम्मद ओसामा बेकनगंज भुना जीरा पाउडर, जी आपको बता दें जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके मसाले फेल हुए हैं। मोहम्मद ओसामा बेकनगंज कानपुर प्रोडक्ट, यहां पर भुना जीरा पाउडर फेल होता दिखा। अरावली मसाले प्राइवेट लिमिटेड चौबेपुर कानपुर, इनका प्रोडक्ट हल्दी पाउडर, आपको बता दें ये टेस्टिंग के दौरान फेल पाए गए। स्पाइस फूड एलएलपी मंधना कानपुर मिर्चा पाउडर, हर्ष ट्रेडिंग पनकी कानपुर सब्जी मसाला, जी हाँ ये मसाले फेल पाए गए जिनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे। श्री साहिब जी गृह उद्योग पनकी कानपुर गरम मसाला, रोनियार इंटरप्राइजेज यशोदा नगर कानपुर गरम मसाला, जी अब 12 कंपनियों के सैंपल फेल पाए गए। रोनियार इंटरप्राइजेज यशोदा नगर कानपुर से सब्जी मसाला फेल पाया गया। ट्रैफिक के जरिए लगातार उन कंपनियों के नाम दिखा रहे हैं, ये 12 कंपनियों के सैंपल फेल पाए गए। आपको बता दें गोविंद गृह उद्योग, पद्मा प्रोडक्ट टीपी नगर कानपुर गरम मसाला सब्जी मसाले, मंगलम इंटरप्राइजेज चकेरी कानपुर मिर्चा पाउडर, विनीस मसाला चमनगंज कानपुर चिकन मटन कोरमा मसाला, मोहम्मद ओसामा बेकनगंज कानपुर भुना जीरा पाउडर। आपको बता दें ये वो प्रोडक्ट है जो कि सैंपल के बाद फेल पाए गए हैं। जी हां 12 कंपनियों के सैंपल यहां पर फेल पाए गए हैं। स्पाइस फूड एलएलपी मंधना कानपुर, हर्ष ट्रेडिंग पनकी कानपुर से सब्जी मसाला, यहां पर फेल पाया गया। श्री साहिब जी गृह उद्योग पनकी कानपुर गरम मसाला, ये वो प्रोडक्ट है जो कि जांच के बाद फेल पाए गए हैं। रोनियार इंटरप्राइजेज यशोदा नगर कानपुर से गरम मसाला, जी हाँ ये जहरीले मसाले कहीं ना कहीं हम अपनी रसोई में अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे जिसका आज ये बड़ा खुलासा किया गया है। जी हाँ अभी आपने वो मसालों के बारे में जाना जो टेस्टिंग के दौरान फेल पाए गए, लेकिन अब उन मसालों के बारे में भी आपको बताते हैं जो आपके किचन तक पहुंच गए हैं और आपके किचन में जहर घोल रहे हैं। अशोक मसाले के 3 प्रोडक्ट अनसेफ कंपनी का नाम अशोक मार्केटिंग कंपनी, जी हां कंपनी का नाम है अशोक मार्केटिंग कंपनी भवानीपुर मंदना अशोक गृह उद्योग केंद्र दादा नगर कानपुर, जी हां ये प्रोडक्ट अनसेफ पाए गए हैं। अशोक ब्रांड का धनिया पाउडर, अशोक ब्रांड का गरम मसाला, ये भी अनसेफ पाया गया। अशोक ब्रांड का मटर पनीर मसाला, इसको भी अनसेफ करार दिया गया है। जी हां अशोक मसाले के 3 प्रोडक्ट अनसेफ पाए गए जो कि टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे। कंपनी का नाम अशोक मार्केटिंग कंपनी भवानीपुर मंदना अशोक नगर,
जी हाँ, अशोक ब्रांड का धनिया पाउडर भी यहाँ पर अनसेफ पाया गया है। अशोक ब्रांड का गरम मसाला भी अनसेफ पाया गया। अशोक ब्रांड का मटर पनीर मसाला भी अनसेफ। गोल्डी मसाले के 3 प्रोडक्ट भी अनसेफ पाए गए हैं। जी हाँ, कंपनी का नाम है शुभम गोल्डी मसाला प्राइवेट लिमिटेड, दादा नगर कानपुर। गोल्डी ब्रांड का सांबर मसाला यहां पर अनसेफ पाया गया। गोल्डी ब्रांड का ही चाट मसाला भी अनसेफ पाया गया। गोल्डी ब्रांड का गोल्डी मसाला भी अनसेफ। गोल्डी मसाले के 3 प्रोडक्ट अनसेफ पाए गए। जी हां, जांच में ये प्रोडक्ट अनसेफ पाए गए हैं जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपनी का नाम शुभम गोल्डी मसाला प्राइवेट लिमिटेड। गोल्डी ब्रांड का सांभर मसाला, गोल्डी ब्रांड का चाट मसाला अनसेफ पाया गया है। गोल्डी ब्रांड का गोल्डी मसाला ये वो प्रोडक्ट है जो कि जांच में अनसेफ पाए गए। भोला मसाले के 3 प्रोडक्ट भी अनसेफ पाए गए हैं। कंपनी का नाम भोला फूड प्रोडक्ट्स, रूमा इंडस्ट्रियल एरिया, पनकी, कानपुर। भोला ब्रांड का बिरयानी मसाला अनसेफ पाया गया। साथ ही भोला ब्रांड का ही सब्जी मसाला भी अनसेफ पाया गया। भोला ब्रांड का मीट मसाला अनसेफ पाया गया। जी हाँ, ये वो मसाले हैं जिनको हम अपने स्वाद बढ़ाने के लिए रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, भोला मसाले के 3 प्रोडक्ट अनसेफ पाए गए। कंपनी का नाम भोला फूड प्रोडक्ट्स। भोला ब्रांड का बिरयानी मसाला अनसेफ पाया गया। भोला ब्रांड का सब्जी मसाला भी अनसेफ पाया गया है। भोला ब्रांड का ही मीट मसाला अनसेफ पाया गया। भोला मसाले के 3 प्रोडक्ट अनसेफ। आपको बता दें, कंपनी का नाम भोला फूड प्रोडक्ट। खाद्य विभाग के जो मुख्यालय है लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि खाद्य मसालों की जो है सैंपलिंग की जाए, जिसके अनुपालन में मई माह में खाद्य विभाग द्वारा मसालों के जो प्रतिष्ठान हैं जो खाद्य मसाले बनाते हैं वहां से सैंपल लिए गए और उनको जांच हेतु जो है वो लैब में भेजा गया था। जांच करने के बाद जो है उसके जून में रिजल्ट आए। 33 सैंपल यहां से भेजे गए थे, 33 में 23 सैंपल जो है वो अनसेफ आए हैं और उसमें से 10 सैंपल पास हुए हैं। जो 23 मामले अनसेफ आए हैं तो उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति के लिए मुख्यालय विभाग द्वारा भेजा गया है पत्रावली। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी ये लोग उसको सिविल न्यायालय में उसका बाद दाखिल करेंगे। सर, क्या मसालों पे अभी बिक्री पे भी रोक लगाई गई है? नहीं, अभी मसालों की बिक्री पे रोक नहीं लगाई है, क्योंकि लैब द्वारा इसको अनसेफ घोषित किया है तो वो अभियोजन चलेगा, उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि उसमें क्या होना है, देन फिर आगे का कार्रवाई करेंगे लोग। तैंतीस मसालों के प्रतिष्ठान है, तब सबका नाम बताना संभव नहीं है, आप ये जान लीजिए। उसकी पत्रावली गई है, वो उसकी पत्रावली टोटल वहाँ पे लखनऊ भेजी गई है, तो ये खाद्य विभाग बता सकता है, ये हमारे पास लिस्ट नहीं है। जी, आपको बता दें, जिन मसालों को आप खाते हैं उनसे आपकी सेहत बिगड़ रही है। जी हाँ, जिन मसालों को हम अपनी रसोई का अहम हिस्सा मानते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जिनमें बड़े बड़े नामचीन ब्रांड भी शामिल है। ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों के नकली मसालों का धंधे का अब पर्दाफाश उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा FSDA ने किया है। आपको बता दें, मसालों की ज्यादातर कंपनियां कानपुर में है। FSDA के अफसरों ने कानपुर की कंपनियों से सैंपल कलेक्ट किए थे। अशोक मसाले की 2 कंपनियों के प्रोडक्ट में कमियां मिली। इनके प्रोडक्ट धनिया पाउडर, गरम मसाला और मटर पनीर मसाला खाने योग्य नहीं है। इसी तरह भोला मसाले के प्रोडक्ट पर भी रोक लगा दी गई है। लोकल लेवल पर बिकने वाली 14 अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट में भी हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। आपको बता दें, 16 सैंपल में खतरनाक कीटनाशक और 7 में माइक्रो बैक्टीरिया मिले हैं।
पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मसालों में जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। साथ ही कार्बिडाइजम भी मिला है, जिसका इस्तेमाल फफूंदी नियंत्रण के लिए होता है। कार्बिडाइजम के इस्तेमाल से सेहत पर कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। दिल और गुर्दे पर खतरनाक असर पड़ता है। जी हम आपको बता रहे हैं कि जिन मसालों को हम अपनी रसोई का अहम हिस्सा मानते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। गोल्डी, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 13 कंपनियों के नमूने जांच में फेल हो गए। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि इन कंपनियों के कई उत्पाद खाने योग्य नहीं है। इससे पहले और भी कई ऐसे मसालों की कंपनियों के नाम सामने आए थे, जिनको सिंगापुर और हांगकांग ने प्रतिबंध कर दिया था। दरअसल इस साल मई में कानपुर स्थित मसालों की 13 कंपनियों पर FSDA के अफसरों ने छापा मारा। इनके अलग अलग मसालों के 35 उत्पाद के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर से ही संवाददाता शुभम शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिन मसालों से हमारी रसोई का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जिन मसालों को जिनसे हमारा स्वाद बढ़ता है और हमको पता भी नहीं होता, उन मसालों का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा में कर रहे हैं और आज उन मसालों पर इतना बड़ा खुलासा कि वो खाने योग्य हैं ही नहीं, क्या कहेंगे? कार्रवाई की जा रही है और उसमें कीटनाशक और पेस्टिसाइड जैसी अन्य दवाएं मिली है, जिसमें 6 से 7 कीटनाशक दवाएं प्राप्त, जिसमें की सब जानकारी मिलने के बाद से ही यहाँ पर सभी दुकानदारों और सब में यहाँ पर वो हो गया और आम जनता भी इस रहा था, क्योंकि वो लोग रोज मर्रा में इन मसालों का प्रयोग करती है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी खबर सामने आई कि इन मसालों में कीटनाशक के साथ साथ कीड़े भी मिले हैं, जो बिल्कुल बैंड कर दिया गया है और रोक लगा दी गई है, तो क्या बाजारों में इसको लेकर हलचल शुरू हो चुकी है? मैम, जहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि बाजारों में इस चल के हलचल हो गई है, लेकिन उनका कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब खाद और वहां से जब हमारे मसाले बंद आते हैं खेत, उसमें जीव कीटाणुनाशक यानी पेस्टिसाइड डाली जाती है, जो कि यहाँ पर आते आते वो सब उसमें मिलती है। तो इन चीजों का सैंपल जो अभी भरे गए, लोगों का कहना है कि वो पहले भी भरे जाते थे, जो अभी तक जनता को नुकसान दे रहे थे। और इसीलिए बात करने के लिए हमारे कुछ जनता और कुछ हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ उपस्थित है और जिनसे हम बात करेंगे, जिनको इन चीजों की पूरी नॉलेज है कि क्या मसालों में किस तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इस पर हमारे साथ एक हमारे वरिष्ठ नागरिक और हमारे जनता प्रयोग है, ये इनसे बात करते हैं, जब पूछते हैं कि क्या क्या चाचा आज जो 22 कंपनियों 33 कंपनियों से 22 कंपनियों सैंपल भरे हैं, जिन पर रोक लगाने की बात की जा रही है, तो इस पर जनता से भी आप क्या कहते हैं? मालूम हुआ है समाचार माध्यम से कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का सैंपल फेल हो गया है, चिंता हो गई है, आदमी परेशान है कि ब्रांडेड मसाला जन्म उपयोग किया जाए कि न किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह खड़ा मसाला लेकर के अपने मिक्सी में या चक्की में पिसा करके इनका शुद्ध हम लोग इस्तेमाल करें, लेकिन ये बड़ी हानिकारक है और इससे बड़ी चिंता पब्लिक में हो गई है, हलचल मची हुई है, व्यापारियों में कारोबार में भी इसका फर्क हो रहा है, कारोबार भी ढीला हो गया है और गृहणियां जो है वो इससे चिंतित है कि हम किसी गंभीर बीमारी की शिकार ना हो जाए इस ब्रांडेड चीजें खाने। जैसा कि आम जनता और व्यापारियों का कहना है कि हमारी गृहणियां जो हमारे घर पर इन मसालों को यूज करती हैं सालों से, और उनका ये भी कहना है कि हम किसी बीमारी का और अदर किसी चीजों का शिकार ना हो जाए, इसलिए अब हम लोग खड़े मसाले लाकर उसको पीस कर उसका यूज करना चालू करेंगे। और जब से ये खबर आई तब से सारे व्यापारियों में हलचल हो गए, जिनके पास लाखों में स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उनमें और इस चीजों को लेकर के हलचल मची हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि इन मसालों में जिस तरह से कीटनाशक मिला, कार्बोडिज्म मिला, जिससे गुर्दों पर, दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि जिन बीमारियों से अभी तक लोग जूझते आए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसको बड़ी वजह लोग मान रहे हैं, जिस तरह से आपने जनता से बात की? लोग यही बड़ी वजह मानते हैं कि अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की हम लोगों को बीमारी दिल या गुर्दे की बीमारी हो रही है और इस तरह के कीटनाशक 6 से 7 प्रकार के कीटनाशक मिले हैं, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जो हम लोगों को बीमारियां हो रही है, जो दिल की हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या अदर किसी चीजों की हो रही है, वो हो सकता है इन्हीं चीजों से हो रही है।
छह से सात प्रकार के पेस्टिसाइड्स, कीट, जीवाणु, कीटनाशक टाइप की दवाएं मसालों में मिली हैं। और उसके बाद देखा जा सकता है कि जनता आहता, जनता का कहना है कि अब जो हम लोगों ने यूज करवा, और व्यापारी वर्ग का कहना है कि अब जो हमारे पास माल स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसको हम किस तरह भेजेंगे। जैसे मालूम पड़ा है कि गोल्डी के तीन मसालों पर रोक लगाई गई है, अशोक के तीन से चार मसालों पर रोक लगाई है, इसी तरह से कानपुर की 16 कंपनियों पर टोटल जिस पर रोक लगाई जा सकती है, और उसके लिए सरकार ने उनसे जवाब भी मांगा है, एफबीसीआई ने भी उनसे जवाब मांगा। शुभम, गोल्डी और अशोक मसाले बहुत पुराने और ब्रांडेड मसाले कहे जाते हैं, जिनका लोग आंख मूंद कर कहते हैं कि विश्वास करते हैं और अपनी रसोई में लगातार इस्तेमाल करते हैं खाने में। इन मसालों को लेकर अब ये बड़ा खुलासा बहुत चौंकाने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? जैसा कि मैम देखा जा सकता है कि गोल्डी और अशोक मसाले 50 सालों से लोग कानपुर के लोग यूज कर रहे हैं, और कानपुर को उद्योग की सिटी कहा गया है। यहाँ पर लघु उद्योग और गृह उद्योग बहुत बहुत जोरों पर चलता है। कानपुर से ही मसाले की एक प्रचलन चालू हुआ है, जिससे आप बताए जाते लोग यहाँ पर राजधानी कहे जाते हैं, मैनचेस्टर और बेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसाले, कॉटन मिल, हर चीज है, लेकिन मसालों का जो प्रयोग है वो कानपुर से ही देश विदेशों में हर जगह जाता है। गोल्डी और अशोक एक नाम चर्चित और मसाले हैं जिनको जनता जमाने से यूज करती चली आ रही, सालों से यूज करते रहे। जनता का कहना यह है कि हम इससे बहुत आहत हुए, जैसे हमें मालूम पड़ा, लेकिन अब उसको वो इन चीजों को देखकर ये सब कारण समझ रही, तो हो सकता है कि कोई कुछ जो छोटी मोटी बीमारियां उनको पकड़ ली वो इन मसालों को खाने से हो रही है। जैसा कि देखा, कुछ मसालों पर बाहर अभी रोक लगा दी गई है, बाहर हमारे देश के बाहर भी, आप कानपुर में देखते रोक लगती है कि नहीं, क्योंकि 22 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं और 33 कंपनियों के सैंपल टोटल गए हुए हैं। जी, जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर पर अगर आपके पास जनता है तो उनसे जानने की कोशिश करें, इस खबर पर उनका क्या रिएक्शन है? आइए हम बात करते हैं हमारे साथ हमारे व्यापारी के लोग हैं। अच्छा, अशोक मसाले, गोल्डी मसाले जो बहुत नाम चर्चित मसाले हैं जिनमें पेस्टिसाइड और अन्य कीटाणु वर्ग पाया गया, तो पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या जनता क्या है? हमारे कानपुर की शान थे मसालों में, पूरे देश ने दुनिया में इन्होंने तहलका मचाया है। जब से ये मालूम हुआ है ये सैंपल फेल हो गए हैं, बड़ा रोष है और बहुत ही परेशानी है कि मसालों खाने से कहीं बीमार ना हो जाए। अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि हरा मसाला लेकर के अपने मिक्सी में या अपने आस पास नहीं भाई खत्म पिक्चर समाज और निदान है तो तत्काल निकाला जाए ताकि पब्लिक में बहुत ज्यादा इसका रोष हो गया है। व्यापारियों में व्यापारी नेता कह रहे हैं जितना भी इसकी पैरोकारी भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ताकि व्यापार लोग मसाला भी खाए और किसी प्रकार की जनहानि ना होने पावे, कोई बीमारी न फैलने पावे, ऐसा सरकार से मांग की जा रही है। जिस तरह से इनका कहना था कि सरकार इस पर पहले भी रोक लगा सकती थी और भी चीजों पर और भी पहले सैंपल ले जा सकते थे, जो इतने सारे जो हम लोगों को खिलाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि और घर के लोग तो आहत हुए हैं क्योंकि हम लोग बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ये मसाले खिलाते हैं। और कानपुर की नाम सचिव कंपनियां है गोल्डी जो मसाले पूरे विश्व में बिकते हैं। शुभम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर महिलाएं भी हम देख पा रहे हैं, उनसे महिलाओं से कुछ बात करने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि रसोई से महिलाओं का बहुत लगाव होता है, इन मसालों को रोजमर्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है इन मसालों के बारे में पता सुन करके, तो उनसे बात करने की कोशिश करें। मैम, जहाँ तक मैं घंटाघर चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मसालों की सब दुकानें हैं जो आज रविवार होने की वजह से बंद था, और यहाँ पर महिलाएं और वो हर वर्ग का आदमी यहाँ पर मिलता है, लेकिन आज रविवार होने की वजह से सब बंद पाया गया। इस चक्कर में आज उसके पहले दो तीन महिलाओं से बात की, गृहणियों से बात करी, जिन्होंने इस चीजों पर चर्चा की, उन्होंने बताया कि हम लोग 40-50 सालों से इन चीजों का यूज कर रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि हम लोग खुद अपने खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और इन चीजों का प्रयोग हम जमाने से अपनी सब्जियों में करते चले आ रहे हैं। अब ये आहित हुआ है कि इन चीजों पर अब एक्शन लिया गया, इसको अब हम लोगों को मालूम पड़ा है कि ये अब इसमें कीटाणु पाए गए और ये कीटनाशक दवाएं पाए गए, पेस्टिसाइड पाया गया है, 6-7 पेस्टिसाइड कीटाणु दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे बताया गया इसमें पाए गए सैंपल में। तो इस पर महिलाओं को कहना है कि अब हम लोग गरम मसाला, जैसे गरम मसाला तो उसको खड़े मसाले लाकर पीसकर और मिक्सी में पीसकर या चक्की में पीसकर उसको प्रयोग करेंगे, आगे सब्जियों में आप उस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। जी शुभम, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें यहाँ पर जो खाने वाले मसाले जिनको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आज बड़ा खुलासा सामने आया है।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि इन कंपनियों के कई उत्पाद खाने योग्य नहीं है। इससे पहले आपको बता दें MDH और एवरेस्ट के मसालों पर भी सिंगापुर और हांगकांग ने प्रतिबंध लगा दिया था और आज MDH समेत जो 16 कंपनियों पर बैन लगाया गया है उसमें अशोक मसाले, गोल्डी मसाले भी शामिल है। जी आपको बता दें मसालों का इस्तेमाल जो अभी तक हम रसोई में करते आ रहे थे वो हमारे लिए हानिकारक है, जानलेवा है, क्योंकि उसमें कीटनाशक पाए गए और उस पर अब ये 16 कंपनियों पर ये बैन हुआ है जहां पर कीटनाशक और जानलेवा बैक्टीरिया जांच के दौरान मिले हैं। आपको बता दें खतरनाक केमिकल वाला जहरीला निवाला हमें अभी तक कह सकते हैं कि परोसा जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों के जहरीले मसालों का धंधा जो अभी तक चल रहा था उसका कहीं ना कहीं आज पर्दाफाश हुआ है। जी हां, मसालों का इस्तेमाल अगर आप भी रोजमर्रा में अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये मसाले आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही घातक साबित हो रहे। आपको बता दें अशोक गोल्डी समेत 16 कंपनियों पर बैन हुआ है। खतरनाक केमिकल वाला जहरीला निवाला हम खा रहे थे अब तक। ब्रांडेड कंपनियों के जहरीले मसालों का धंधा, रसोई में जहर घोल रहे सब्जी मसाले ये। जी आपको बता दें जिन मसालों को हम अपनी रसोई का अहम हिस्सा मानते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जिनमें बड़े बड़े नामचीन ब्रांड भी शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा FSDA के मुताबिक गोल्डी, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 13 कंपनियों के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA का कहना है कि इन कंपनियों के कई उत्पाद खाने के योग्य नहीं है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।